मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और स्थानीय राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने संबंधित लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का निराकरण करने के विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस द्वारा खोले गए मोर्चे को लेकर ऊर्जा मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। अगर विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जाकर उनकी आवाज को सकारात्मक रूप से प्रदेश के मुखिया और जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। हम 10 घंटे बिजली किसानों को निर्बाध रूप से देंगे और अटल ज्योति के तहत हम ग्रामीण फीडरों पे जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जो गांव हैं बसाटे हैं उन पे 24 घंटे बिजली देंगे। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो विश्वास रखिए उस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और यही मनसा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है और हमारे पूरे संगठन की है और उसी के तहत मैं यहाँ आया। आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक कर्मचारी जिसका हाथ यहाँ कट गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीफ की बात नहीं। मैं आपसे कहा कि वो व्यक्ति, अभी मैंने ये जन चौपाल लगाई है, जन चौपाल में जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास पूरा होगा और समाधान करेंगे।